शहर के बेलतरोड़ी क्षेत्र से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। जहां कहीं कोई मंदिर में चोरी कर जाता है तो वहीं दूसरी ओर एक राह चलती महिला से कुछ अज्ञात नाबालिग युवक फोन चुरा कर ले भागते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मामलों में ज्यादातर नाबालिग युवक शामिल है। जानकारी के मुताबिक घटना कल दोपहर 3:30 के दौरान की है, जब शिकायतकर्ता युवती गेसु थवाइट, जो कि TCS कंपनी में जॉब करती है, वो अपनी जॉब खत्म कर बस से उतरकर अपने घर जा रही थी। तभी गजानन महाराज मंदिर के रास्ते में एक गिफ्ट शॉप के पास बाइक सवार दो नाबालिग युवकों की नजर युवती के फोन पर पड़ी। बाइक सवार आरोपी कुछ दूर जाने पर दोबारा पलट कर आए और झटके से हाथ मारकर युवती से फोन छीनकर भाग गए। तुरंत इसकी शिकायत युवती ने बेलतरोड़ी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर मौजूद गिफ्ट शॉप की CCTV कैमरे के फुटेज की मदद से महज आधे घंटे के भीतर ही आरोपी नाबालिग युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की जांच जारी है। पोलीस स्टेशन बेलतरोडी येथे 215/23 अपराध क्रमांकाचा गुन्हा दाखल आहे। या गुन्ह्यामधील जी फिर्यादी आहे गेसु थवाईत, ह्या TCS कंपनीमध्ये जॉब करतात। त्या TCS कंपनीच्या बसमधून उतरून गल्लीमध्ये त्यांच्या घरी जात असताना दोन बाईकस्वार आले आणि बाईकस्वारांनी तोंडाला कपडा बांधलेला आहे, निळ्या रंगाचे बाईकस्वार आहे, आणि त्यांनी त्यांचा मोबाईल हिसकून पळून गेल्याची घटना रिपोर्ट होती याच्यावर एअरवर। आणि त्या घटनेच्या आधारे आम्ही सर्व पथक स्पॉटवर पोहोचून घटना व्हेरीफाय करून फिर्यादीला आरोपींच्या वर्णनाबाबत अधिक विचारपूस करून अवघ्या अर्ध्या तासामध्ये दोन विधी संघर्षग्रस्त बालक, त्यांनी यापूर्वीसुद्धा बरेच गुन्हे केलेले आहे, त्यांच्याकडनं एक मोबाईल आणि त्या गुन्ह्यात वापरलेली जी गाडी होती तीसुद्धा पाचपावलीच्या गुन्ह्यामध्ये चोरीची असल्याचं समजले आहे आणि मुद्देमाल हस्तगत केला आहे त्यांच्याकडनं। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।